एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्तों के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता ही दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की की खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन नियत ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम करने की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय उस लड़के के कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे या लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के की एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़की के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपनी सहेली में से लड़के की इलाज करवाना चाहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसे देखा कि लड़का बेड पर पड़ा बेहोश है। उसके पास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो वह घर मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला हूँ। मैं एक गूंगा हूँ, इस बात का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब वह लड़का भूलने नहीं लगता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, भले ही वह मर क्यों न जाए। उधर डॉक्टर भी उस लड़की की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और जब लड़का भूलने लगा लड़की वह अपनी याददाश्त को खो गई। जब वह कुछ भी नहीं याद था तो उसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल।